दासी कहिए महारानी, अब तू ही बता के ये मेरी उम्र किस तरह से कटेगी। जो विधाता ने लिखा वो सब भोगना होगा महारानी। हरी उम्र मेरी कैसे कटेरी वाली, ना उखड़े दूध के महलों में तुम ही रहना।
जानी। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा यहाँ क्या होगा। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रीतम यही आदर्श दिखाने को आएगी, पत की अर्धांगिन पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पत की पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह माना जाता जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्माओं में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी, तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के नौछावर का दिन आया है। तासी, हाँ कही महारानी। और धरती से गगन तक और ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए। वो ढूंढने वाली जगह में महारानी जहां तुम्हें पा सकते। तुम एक काम करो। क्या करूं मैं?
पिताजी के पास दरबार में जाती हूँ और आज से तुम इन महलों को संभालो। बहुत अच्छा। कैसेट्स व सीडीज केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध है। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पुत्र वधू सलोचना, कहो पिताजी आज कैसे आना हुआ दरबार में? हाँ पिताजी, मैं तुम्हें अपने आने का दुख सुनाऊंगी कि कैसे हुआ। कहो क्या कहना है। ओ पिताजी मेरी अज दीर बदेना, ओ पिताजी मेरी दीर बदेना, फूटी से जाके सिया चुराई और कुटुंब का दिया नास कराई। ओ कुटुंब का दिया नास कराई, ऐसे बने जी स्वामी।
पति का शीश मांग कर जादो हिज हो पति का शीश मांग कर ला दो और पिताजी मुझे सती करा दो। पिताजी मुझे सती करा दो हुकूंगी अपना शीश ला दो तो मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। पुत्र वधु सलोचना, बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गत पाई है। बेटी का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों के शीशों को लाता हूँ। लेकिन पिताजी, मुझे लाखों शीशों का क्या करना है? श्री महाराज ये दासी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा? निज पति का शीश चाहती है, वो गए वीर गति पाकर मैं नार उचित गति पाऊंगी। पति का सब साथ चिता में ले आनंद सती हो जाऊंगी। अगर तुम ऐसा करना है खुद जा सकती हो, मैं उसके सामने अपना सर झुकाने के लिए नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा। जोड़े जोड़े भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा खड़ी रही। रह गए तेरे महल तू महले, कंचन काया पड़ी रही, ये तेरी काया पड़ी। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, कैसेट्स एंड सीडीज ओनली ऑन चंदा कैसेट्स। अरे सास दल मेरा दल में राम के मारे दिया
करके तेरी याद लाल रो रो मर जा। कैसेट्स प्रस्तुत करते हैं दशरथ के घर जन्मे राम, सीता के मन भाई राम। रघु नंदन आए नगर निवासी दर्शन पाए। कैसेट्स एंड सीडीज चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। पैदा था तुम चाहते क्या हो? हे माता जी, अरे मात मेरे प्राण पति ने त्यागन करो जाने के लिए तैयार।
तुम्हारे सुरपुर पहुंचे छैया जो, अरे तुम्हारे सुरपुर पहुंचे छैया, अब ना है कोई बजा दो, अरे पति का शीश मांग कर ला दो। हे माता जी, मुझे मेरे पति का शीश किसी भी तरह से ला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे पति का शीश मांग कर ला दो और पति के संग सती करा। पति के बिना कटे ना मेरी मैया, अरे ये जीवन पति के बिना कटे ना और छुट्टा है मेरा यहाँ। बेटी सलोचना विधाता की रचना ये मेटी नहीं जा सकती। माताजी ये तुम्हारी बात ठीक है, सीमा वह है पतिव्रता की, जितना आदर्श तुम्हारा है, सचमुच तुम जिस पद पर हो माँ वह पद खाने की धारा है। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है, पिता के घर जो सुख न मिला वो सुख इस घर में पाया है। नहीं बेटी चिंता मत करिए, लंका कैद करिए, लंका में आराम करिए। बेटी घबराने से कुछ नहीं होता, जो विधाता ने लिखा है वो बस से भोगना होगा। मेरी लाड़ो लंका में ऐस करिए, लंका में राज करिए, घबराओ मत मेरी लाड़ो। लेकिन माता जी मुझे अब लंका का राज नहीं करना है, नहीं करना है। हरी सास लंका में मनाए रहूंगी। हे माता जी कहिए बेटी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। हरी सास लंका में मनाए रहूंगी और ताने मनाए सब We'll be right back.
जाकर वन में सियारी चुराई। मेरे ससुरे ने कुमत कमाई, जाकर वन में सियारी चुराई। हदिया कुटुम नाश कर लाल मर बाद जनी जनी के। लंका फुक वाली री बंदर पे, होनी चढ़ गई दश बंदर पे, लंका फुक वाली री बंदर पे। सलोचन रोवे खड़ी मन, जन रोवे खड़ी मंदिर पे, नाम ले लेके हरी हरी के। पति मेरे कहे हैं जग में जन्मा है उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं।
नहीं बेटी, जग में इतना ही नाता था, अब और यहाँ कुछ नहीं। नहीं बेटी, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। काले घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काले घड़ी बलवान दीवाने बंदे, दीवाने बंदे अरे मूर्ख बंदे, दो दिन का मेहमान दीवाने बंदे, दो दिन का मेहमान। कैसेट्स और सीडीज सिर्फ चंदा कैसेट्स पर। योग्य नहीं, नहीं बेटी, जग में इतना ही नाता था, अब और यहाँ कुछ नहीं। नहीं बेटी, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन माताजी, इसमें और किसी का दोष नहीं है, बस इसमें तो पिताजी की बात है। और इस सास में तो अरे ससुरे ने लुटवाई, कुछ दोष नहीं लक्ष्मण का। एक है बेटी, हर सास में तो ससुरे ने लुटवाई, कुछ दोष वन में गया सियाहर लाया, वन में गया सियाहर लाया, नाहक सो तार शेर जगाया। अच्छा बेटी, नाहक सो तार शेर जगाया, रामचंद्र से पैर बढ़ाया, रामचंद्र से पैर बढ़ाया, मैं तो करके रान बैठा। हाँ बेटी, ये किसी का दोष नहीं, जो कुछ किया वो ठीक है। सोता नाग जगा दिया जहरी, सोता नाग जगा दिया जहरी, हाय बल बैठा मेरा बैरी, हाय बल बैठा मेरा बैरी, दिया कुटुम नाश करवाई। माताजी, आइए बेटी, अब तुम एक काम करो, मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पति के साथ सती होना है। अरे सास मेरा कर दे सब श्रृंगार री में, फिर नहीं आने की। अरे बेटा, तो मैं क्या सुन रही हूँ, कंगी डोरा हाथ लिए बांधी ने बहाए बाल, कंगी डोरा हाथ लिए बांधी ने बहाए बाल,
शिशु पर शीश फूल कोड़े जुड़े ही गजल कोड़े जुड़े ही गजल नथ बलकारी जमे सच मोती जी डाल नथ बलकारी जमे सच मोती दिए डाल नाक में बुला के सोहे अधिक लगी है जाल अरे मेरा लटकन देत बहार में तेरी निहिया बाजू बंद अंत परिबंध वाला नारे नारे बाजू बंद अंत परिबंध वाला नारे नारे छन और पछेली मेरी आरसी ने मान मारे बूटिया रंगूठी में तो करूंगी सिंगार सारे रंगूठी में तो करूंगी सिंगार सारे अरे मेरा रतन जड़ा उहार में फेरी निहिया अनबट बिछुआ बने मेरे अनबट बिछुआ बने छली बनी है जंजीरों दार अनबट बिछुआ बने छली बनी है जंजीरों दार और बहना देखो मेरे रिपालों की झनकार और बहना देखो मेरी पायलों की झनकार अरे मेरा ला दे नौ लखार में तेरी नहिया माता जी कहिए बेटी अब मैं जाती हूँ अगर नहीं मानती है तो ठीक है बेटी आप बेशक जा सकती हो जाती हूँ मैं आज विपत की मारी हूँ और दुख की घनी सताई हूँ मैं आज विपत की मारी हूँ और दुख की घनी सताई हूँ अपना सर नीचा किए हुए अपना सर नीचा किए हुए पति का सर ले यदि राम दया
अगर है रखेंगे टेक भिकारन की। यदि राम दया के सागर है रखेंगे टेक भिकारन की, आशा होगी स्वीकार मेरी बिनती एक कुछ कारण की। खुश रहो देवी। हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी गुजारिश करने के लिए आई हूँ। अगर पूरी कर सको तो प्रभु बहुत मेहरबानी होगी। कहिए देवी, आपको क्या कहना है? करती हूँ प्रणाम आज श्री जगदीश को, मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को, पिया जी के शीश को। मुझे तो सिर्फ अपने पति का शीश चाहिए। बहुत अच्छा हनुमान जी, इसके पति का शीश ला दीजिए। बहुत अच्छा, ये अपने आप पहचान करिए तुम्हारे पति का शीश कौन सा है। वो देखो सामने, वो मेरे पति का शीश है। बहुत अच्छा, हम ये कैसे जाने कि तुम्हारे पति का शीश है? प्रभु आपकी क्या शर्त है? अगर तुम्हारा पति का शीश ये हंसे तो हम जान सकते हैं कि वाकई ये सलोचना ये पति का शीश है। बहुत अच्छा। हे स्वामी, इस भरी सभा के अंदर मेरी हंसी क्यों कराते हो? मैं एक पतिव्रता हूँ, तुम मेरा पतिव्रत धर्म निभाओ। हे स्वामी हंसो हंसो। लाओ प्रभु मेरे पति का शीश। बहुत अच्छा, ये लीजिए। एक काम करो प्रभु, मुझे सती करा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा। भैया सेना वालों, जल्दी से सलोचना को सती कराओ। बहुत अच्छा। उलझन सुलझे ना ये रास्ता बूझे ना, जाऊं कहां मैं जाऊं कहां। उलझन सुलझे ना मेरे दिल का अंधेरा हूँ
जाइए। अब बताइए कि मैं क्या करूं? आप सत्य हो जाइए। बहुत अच्छा। तेरी याद में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। वो तेरी याद में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे। दीपक की चमक में आग भी है, कहते हैं परवान मगर ये कहते हैं हम आग में जल।